हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आइए पलटते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पन्नों को जो कहते हैं इस आज़ादी की कहानी। आज जिस स्वतंत्रता की हवा में हम सांस ले रहे हैं और उन्नति तथा प्रगति के नए आयामों को छू रहे हैं, उनके पीछे कहानी है अनेक आंदोलनों की, अनेक वीर जवानों की कुर्बानी की, जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए तीन महत्वपूर्ण आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें से आज असहयोग आंदोलन के विषय में यह छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में आमरण अनशन के माध्यम से गांधी जी को बहुत ख्याति मिली। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। हम अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और इसीलिए हम ये सोचते थे कि हमें आज़ादी प्रेस से, पिटीशन से, प्रोटेक्शन से और डेलीगेशन के माध्यम से मिल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ या वो कौन से ऐसे कारण बने कि हम को ब्रिटिश हुकूमत से सीधे सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार होना पड़ा और आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव यह हुआ, हमने अंग्रेज़ों को युद्ध में साथ इस आशा से दिया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, परंतु परिणाम क्या हुआ, बदले में हमें मिला रोलेट एक्ट, बदले में हमें मिला जलियांवाला बाग का हत्याकांड, सरकार की दमनकारी नीति, बर्बरतापूर्ण कार्य और आर्थिक कठिनाइयां, प्राकृतिक प्रकोप, खिलाफत का प्रश्न, और अगर सुधार के रूप में योजना आई भी एक मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार योजना, तो उसे भारतीय राजनेताओं ने अपर्याप्त बता दिया। अतः ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कारण उत्पन्न हो गए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रखा और जिस प्रस्ताव को मंजूरी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में मिल गई। इस असहयोग आंदोलन के दो पहलू थे, एक नकारात्मक पहलू है और दूसरा सकारात्मक पहलू है। अर्थात नकारात्मक पहलू के माध्यम से इसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए कि हम अंग्रेज़ी हुकूमत को अब सहयोग नहीं देंगे, जैसे कि इसमें कहा गया कि विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी माल को अपनाया जाएगा, सरकार द्वारा दी गई उपाधियां वापस कर दी जाएंगी और अवैतनिक पदों का त्याग किया जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों को सदस्य त्याग पत्र दे देंगे, सरकारी दरबारों तथा उत्सवों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी तथा सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा, विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाएगा, चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा और मतदान नहीं किया जाएगा, सैनिकों, क्लर्कों और मजदूरों के द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएँ देने से इनकार कर दिया जाएगा। इसके सकारात्मक पहलुओं में यह कहा गया, इसके रचनात्मक पहलुओं में यह कहा गया कि अब हम शिक्षा के लिए अपनी राष्ट्रीय संस्थाएं खोलेंगे और उन्हीं में बच्चों को
पढ़ाया जाएगा। हम पंचायती अदालतों को स्थापित करेंगे, हम घर घर में चरखा चलाएंगे, सूत काटने को बढ़ावा देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की जाएगी, छुआछूत को दूर किया जाएगा और तिलक फंड की स्थापना की जाएगी। गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए देश भर का भ्रमण किया और जनता से इसमें अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। परिणाम क्या हुआ कि छात्रों के द्वारा स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, उपाधियां वापस की जाने लगी और अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली गई, मुसलमानों को भी आंदोलन में सम्मिलित किया गया, विधानसभाओं का बहिष्कार किया गया और जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका बहिष्कार किया गया। अर्थात इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज सरकार को सहयोग न देने की अपील की गई तथा स्वदेशी पर अधिक से अधिक जोर देने की बात कही गई। आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। गांधी जी ने सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवाने के लिए 7 दिन का समय दिया, परंतु दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा स्थान पर एक ऐसी घटना घटित हो गई कि जिसकी वजह से आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी लेना चाहते थे, हिंसा के माध्यम से नहीं। हुआ यह है कि गोरखपुर जिले के चोरी चोरा स्थान पर आक्रामक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। अतः इस घटना से आहत और दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। यद्यपि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप यह कहा गया कि जिस समय आंदोलन तेजी पकड़ रहा था उस समय है यह निर्णय ठीक नहीं है, परंतु इस आंदोलन का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। इसकी वजह से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला, जनता को आत्मनिर्भरता, जनता की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, जेलों में जाने से लोग कतराते नहीं थे, वो लोग जेलों में जाने से अब डरते नहीं थे, खादी को और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया गया, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया गया, नशा बंदी को प्रोत्साहन दिया गया और स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया। हम यह कहेंगे कि इस आंदोलन ने अपनी एक अमिट छाप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छोड़ी, एक अपनी एक अनूठी पहचान बनाई, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत को यह एहसास हुआ कि भारतीय मजबूत होकर और एकजुट होकर इस तरह के आंदोलन यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्रता की प्राप्ति पर आगे बढ़ सकेंगे। गांधी जी को 1922 में 6 वर्ष का कारावास दिया गया और जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से यह आंदोलन स्थगित हो गया।